स्टील और GSW स्टील, इसमें खबर है कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो खुद से प्रोक्योर करती है उस पॉलिसी का एक्सटेंड कर दिया अगले 6 महीने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। ये वाली खबर लेके आना, ये सी वाली। एक बार सोनी आप इन दोनों शेयर्स को चेक करोगे, कल आपकी कॉल थी टाटा स्टील में को याद है अच्छे से, और GSW स्टील में आज जोड़ रहा हूँ, दोनों को जरूर चेक कर लो आप। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील देखेंगे तो अभी भी सपोर्ट पे है, कल सपोर्ट को ब्रेक किया है, 153-152 का सपोर्ट है, तो आज वो लेवल एक बार इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। अगर ब्रेक नहीं करता है तो बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स एक रेजिस्टेंस अभी बन गया है 160, बट 160 को क्रॉस करते हैं आपको फर्दर अपसाइड नजर आएगा। सो मेरे ख्याल से इसको होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको वॉच कीजिए। और इनफैक्ट अगर आप GSW स्टील पे बात करेंगे तो GSW स्टील पे भी एक परसों का एक अच्छा मूव था, और कल भी हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया नहीं था, साइलेंट था काफी। 800-820 के लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अगर सपोर्ट होल्ड करता है, डिफेंड करता है, तो एक बार 840 को टेस्ट करेगा। 840 उसका रेजिस्टेंस है, एनीथिंग अबव 840 आपको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 860-870 जोन्स नजर आ सकते हैं। सो इसको वॉच कीजिए, इंट्राडे बेसिस के लिए 820 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसको ब्रेक करते तो 800 पे भी सपोर्ट आपको दिखेगा। सो थोड़ा पोजिशनल प्ले शायद इसमें बेटर रहेगा, वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी।